जिस गति से मॉनसून उत्तर प्रदेश की तरफ से बढ़ रहा था वह कम हो गई है। मॉनसून दो दिन पहले बिहार में दाखिल होकर ठिठक गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को अभी सप्ताह भर मॉनसून फुहारों का इंतजार करना पड़ेगा। उधर बदले मौसम से राज्य को गर्मी से मामूली राहत मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर तैयार निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से जम्मू एवं कश्मीर की तरफ से बड़े पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में बदलाव किया है। इससे मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है। ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दो से तीन चरण में बरसात हुई। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ में हल्की बौछारें पड़ी। मौसम विभाग लखनऊ के निर्देशक जेपी गुप्ता ने बताया कि मॉनसून बिहार तक पहुंचकर ठिटक गया है। वह जितनी तेजी से चला था वह गति बरकरार नहीं रह पाई। उत्तर में 18 जून को मॉनसून आगमन का पूर्वानुमान लगाया गया था, पर जो स्थिति उसे देखते हुए अभी मॉनसून के लिए सप्ताह भर इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे मॉनसून अगले दो दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। बदली और हल्की बौछार पड़ने की संभावना है। उधर पूरे राज्य में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं लखनऊ मौसम विभाग को जिन 33 जिलों की रिपोर्ट मिली है उसमें सिर्फ बलिया, लखनऊ, इटावा, कानपुर और लखीमपुर में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। बाकी सभी जगह 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।